इधर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा आई बटन में, ओके, फोरियर सीरीज का। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा फोरियर सीरीज का, जिसमें जाके आप फोरियर सीरीज के जितने टॉपिक्स हैं और जितने क्वेश्चंस को मैंने बनाया है उसको आप वहाँ से पढ़ के समझ सकते हो और प्रैक्टिस करिए, ओके, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, और अपने फैमिली मेंबर में जितने फोन्स हैं सब में सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के मोबाइल में पकड़ के यूट्यूब ओपन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा के प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, ओके। तो चलो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम नंबर टू फ्रॉम द टॉपिक हाफ रेंज सीरीज, ओके। हाफ रेंज सीरीज का ये अपना सेकेंड प्रॉब्लम है। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक अच्छे प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व किया था, ओके। तो वो सब कुछ कहाँ आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब बिना यहाँ वहाँ के बकवास किए जो है अपन यहाँ पे आप स्ट्रेट टॉपिक पे आएंगे आप, ओके, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, दैट इज ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एक्स साइन एक्स एज अ कोसाइन सीरीज इन 0 to π। आपको जो यहाँ पे लिमिट दिया दैट इज 0 to π दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ओके। और आपको जो फंक्शन दिया दैट इज व्हाट एक्स साइन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब बोला है कि कोसाइन सीरीज, देखिए मैं पहले कह चुका था कि अगर कोसाइन सीरीज के लिए पूछेगा तो या तो कोसाइन सीरीज लिखेगा या फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ कोसाइन सीरीज लिखा है, ओके। तो ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए जब मैं लिमिट 0 to π है फॉर कोसाइन सीरीज, तो हाफ रेंज फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा फोरियर सीरीज का, द फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 + समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में b - a, ओके। अगर आप हाफ रेंज सीरीज का जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने इस सब के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दिया हुआ उसको यहाँ पे यूज़ करना है मुझे, ओके। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को और ज़्यादा ब्रीफली आपको नहीं बता के दैट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए इजिएस्ट वे में, उसको जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए एफ ऑफ एक्स का मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिल चुका है, ओके, दैट इज ए नॉट अपॉन में 2 + समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में b - a। अगर आप ध्यान से देखोगे तो b की वैल्यू क्या यहाँ पे पाई है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो हियर यू कैन से b - a = π और एफ ऑफ एक्स की देखो यहाँ वैल्यू क्या है, यस दैट इज एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये जो फोरियर सीरीज है किसका, हाफ रेंज का, वो अपने देखो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यस दैट इज एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 + समेशन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन। जब यहाँ पे हम लोग पाई को रखेंगे तो क्या होगा, पाई पाई आपस में कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ वॉट कॉस ऑफ एन एक्स हो गया ये, एंड दिस इज सपोज टू माई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे करना क्या है, ए नॉट और ए एन की वैल्यूज को यहाँ पे निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं आप, यस ये पूरा पूरा आपको दिख गया ए एन का, जो कि बहुत ही सिंपल वे में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 / b - a इंटीग्रेशन लिमिट a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ b - a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, पाई दिया हुआ है, उसको अपन आगे अभी डिस्कस की, जस्ट इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 to π दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है एक्स साइन एक्स है डी एक्स हो गया, ओके। अब करना क्या है, आई लेट फॉर्म के हिसाब से, ओके, आई एल ए टी ई आई लेट फॉर्म के हिसाब से मुझे करना क्या है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग चेन रूल से इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर एलजेब्रिक, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, ओके, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर देखो तो ये अपना क्या एलजेब्रिक हो गया और ये अपना क्या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो ये अपना पहले देखो एलजेब्रिक आता फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता, तो दिस इज सपोज टू माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज टू बी माई सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है, 2 / π को एज इट इज रख दिए, इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बिकम -cos x, ओके। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बिकम 0, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंड टर्म में देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बिकम 1 बिकॉज एक्स को हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इन द सेम वे माइनस एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बिकम साइन एक्स,
ये नेगेटिव को एज इट इज रहने दो, इस नेगेटिव को बाहर मत निकालना, नहीं तो फिर आगे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव को एज इट इज रखिए, आप क्या किया इसको मैं इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज कॉस साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव में एज इट इज यहाँ डाल दिया। अगला टर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन विल बिकम जीरो, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 to π रहेगा जो अपने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ का नेगेटिव बाहर निकलेगा तो ये 2 upon π एज इट इज हो गया, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल दे तो अपना क्या होगा, -x cos x हो गया, यहाँ का नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 into sin x विल बिकम पॉजिटिव sin x एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to π। आई बात समझ में? यस। अब क्या करना है, यस लिमिट पुट करना है, तो यहाँ पे 2 upon π को एज इट इज रख दिए, पहले अपर लिमिट यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई आएगा, दैट इज -π cos π। ओके, अपर लिमिट नेगेटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। अब लोअर लिमिट देखो यहाँ पे क्या 0 है, इसको जब मैं यहाँ डालूंगा तो क्या होगा, 0 into anything विल बिकम 0, तो ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा किसका हो गया, इसके लिए हो गया। नाउ कम टू सेकेंड टर्म, दैट इज sin x, अपर लिमिट रखो sin π। ओके, फर्स्ट टर्म क्या पॉजिटिव, तो सेकंड टर्म अपना क्या होगा, अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज लोअर लिमिट अपना क्या 0, तो sin 0, एंड वी नो दैट sin π = 0, sin 0 = 0। ओके, तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, दैट इज 2 upon π - π cos π। तो cos π वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, दैट इज -1। ओके, तो यहाँ का -1 और यहाँ का माइनस क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा बस, क्योंकि यहाँ का क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है -1 है, तो ये -1 into - विल बिकम पॉजिटिव। ओके, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली पाई, तो ये वाला पाई इससे कैंसिल हो चुका कि नहीं, तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, ए नॉट की वैल्यू, दैट इज 2। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 upon b - a इंटीग्रेशन a to b f(x) cos(x), देखो फॉर्मूला क्या है, n π x / b - a, ये अपना क्या जनरल फॉर्मूला होता है किसके लिए, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर ए एन निकालना है तो ठीक है, अगर बी एन निकालना अगर होगा तो बी एन हम किस में निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन सीरीज में निकालते हैं, क्योंकि कोसाइन सीरीज में क्या निकालना होता है, ए नॉट और ए एन, इन द सेम वे अगर हमको साइन सीरीज पूछा है तो हमको क्या करना है, ए नॉट ए एन को ना निकाल के हम क्या निकालते हैं, वहाँ बी एन निकालते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बस साइन आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा, अगर बी एन निकाल रहा हूँ तो, ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे रखिए b - a के लिए यहाँ पे क्या है पाई है, तो 2 upon π हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट क्या है a to b है, जिसका वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, a = π दिया हुआ है, f(x) आपको क्वेश्चन क्या दिया, x sin x दिया हुआ है, और यहाँ पे पाई रखने पे b - a के लिए यहाँ पे क्या पाई है, तो पाई रखने पे क्या होगा, ये वाला पाई नीचे वाला पाई से कैंसिल, तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, cos(nx) बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए dx। ओके, अब जो बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर देखो क्या है, n लिखा है कि नहीं, cos nx लिखा हुआ है, तो हमेशा बोलते हैं हम कि जहाँ पे n लिखा है उससे पहले आप लिख लीजिए। ओके, तो हमको करना क्या है, इस वाले भाग को sin x into cos nx को हम क्या लिखेंगे, cos nx into sin x। ओके, अब हमें पता है 2 cos a है ना, sin b का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो मुझे करना क्या, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाद में 2 का डिवाइड भी हमको करना पड़ेगा। ओके, तो ये अगर 2 इससे कैंसिल हुआ कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो कम हमारे पास क्या बचेगा, ओके यहाँ पर लिमिट भी डाल दीजिए 0 to π। ओके, लिमिट देखो यहाँ पर डाल दिए, और इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, sin a + b - sin a - b, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आई होप आपको याद भी होगा, तो इसको जो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के तहत क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a अपना क्या है nx हो गया, और b यहाँ बताओ क्या होगा अपना, यहाँ पे x हो जाएगा, तो देखो nx मतलब a और b में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे nx और यहाँ पे क्या x है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या x कॉमन निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब रखेंगे तो एक स्टेप उसको अपने दिखा दे रहा हूँ मैं, आगे जो उसको अपन डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, 1 upon π बचेगा, बिकॉज 2 2 क्या है आपस में कैंसिल हो चुका है, यहाँ बताओ क्या बचेगा, 0 to π बचेगा। ओके, लिमिट यहाँ पे एक्स को एज इट इज रख दिए, यहाँ पर जो आप क्या करिए कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो sin a + b sin of a + b। ओके, तो nx a और यहाँ पे क्या b है, दैट इज x, तो यहाँ पे क्या होगा n+1, यहाँ पे एक्स को देखो बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं, यस एज इट इज हमको करना क्या है, इसमें भी करना, दैट इज sin of a - b, दैट इज n - 1 times x, तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर लिए, अब चूंकि आप इंटीग्रेशन किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a dx को यहाँ पे अपन चिपका देंगे,
ओके, इसी को जो है अब अगले स्टेप में दिखा के आगे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके यस, ये हमारा क्या हो गया, ए एन की वैल्यू होगी जिसको मैं फाइंड आउट किया था, और ये अपना फॉर्मूला को मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख लिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि इसको अपन कैसे अचीव किए थे। ओके, अब जो हम इसकी आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे दो टर्म थे कि नहीं अपने पास, तो मुझे करना क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट को जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस को अपन हटा देंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, एक्स साइन एन प्लस वन एक्स जिसका लिमिट क्या है 0 to π है, अगेन माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π एक्स इंटू साइन एन माइनस वन टाइम्स एक्स। मतलब क्या है, इसको जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया हूँ और दो सेपरेट सेपरेट यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पुट कर दिया हूँ। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको dx को लिखना है वहाँ पे विद दिस इंटीग्रेशन पार्ट, ओके, अलॉन्ग विद दिस लिमिट्स। ओके ठीक है, अब करना क्या है, स्ट्रेट अवे इसको सॉल्व करना यूजिंग चेन रूल। ठीक है, एंड आई होप कि आपको उस वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपको मैं एक एक स्टेप को अच्छे से यहाँ जो है समझाऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ पम पाई को एज इट इज लिख दिए। ठीक है, ये अपना क्या फर्स्ट टर्म है, अपना क्या सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिए, सेकंड टर्म क्या होता है, सॉरी हाँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दिए, सेकंड टर्म क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन विल बिकम माइनस कॉस। ओके, माइनस कॉस एन प्लस वन टाइम्स एक्स अपॉन में एक्स कोफिशिएंट दैट इज एन प्लस वन, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ओके, फिर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो सेकंड टर्म अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज वन, बिकॉज एक्स को हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिए। फिर सेकंड टर्म में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, कॉस का जो इंटीग्रेशन है, ओके, वो क्या होता है, साइन होता है, तो साइन ऑफ एन प्लस वन, ओके, एक्स अपॉन एन प्लस वन आएगा, बट यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक एन प्लस वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब एक बात ध्यान रखो, चूंकि हमारा जो लिमिट है वो 0 to π है दोनों टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना दिखा के इकट्ठे दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में दिखा दूंगा, क्या बताओ, लिमिट दैट इज 0 to π। ओके, लिमिट सेम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर डिफरेंट डिफरेंट होता तो इसको मैं अलग सॉल्व करता, लिमिट दिखाता, फिर सेकेंड वाले टर्म को अलग सॉल्व करता, यहाँ पे मैं डिफरेंट लिमिट दिखाता। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा पॉजिटिव होता है और सेकेंड टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा, कौन सा, चेन रूल से अपन जब सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे क्या नेगेटिव दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और सेकेंड टर्म अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करें तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, जब इसको अपन सॉल्व करें तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, पहला टर्म अपना अगर नेगेटिव हो तो सेकंड टर्म अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, है ना, चेन रूल वाला पार्ट, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का बताओ क्या होता है, इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एन माइनस वन। ओके, अब चूंकि यहाँ पे अपना नेगेटिव तो अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बिकम वन। ओके, नेगेटिव नेगेटिव एज इट इज आएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस विल बिकम साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस विल बिकम साइन। ओके, तो साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक एन माइनस वन था, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को पुट कर सकते हैं, दैट इज 0 to π। ओके, अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे क्या नीचे में एन माइनस वन दिया है कि नहीं। ओके, मतलब यह है कि हमारे जो एन की जो वैल्यू होती है, सब जो हम लिखते हैं फॉर्मूले में, दैट इज समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞, तो एन की वैल्यू कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो एन की वैल्यू को अपन जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम इनफाइनाइट। वैसे यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 माइनस 1, ओके, 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग अपॉन में 0 विल बिकम इनफाइनाइट। तो हमको ये कहना है कि यहाँ पे हम जो एन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ओके, उसकी एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, एन इक्वल्स टू से लेकर इनफाइनाइट। ओके, एन एन इक्वल्स टू टू से इनफाइनाइट, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा ए एन का, उसको आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल वेन एन इक्वल्स टू वन। ओके, मतलब क्या है, इसके ये एन की वैल्यू कब है, ये ए एन की वैल्यू तब होगी जब एन इक्वल्स टू वन नहीं होगा, मतलब ये है कि हमको ए एन, मतलब ए वन हमको अलग से निकालना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब अगर ये एन इक्वल्स टू वन पे नहीं है तो मतलब हमको ए वन पे अलग से निकालना है। ओके, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, सिंस यहाँ आपको साइन टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, साइन वाला टर्म दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू को टू से अपन इन्फाइनाइट रख सकते हैं, तो जैसे आप एन की वैल्यू को टू से लेके इन्फाइनाइट रखोगे, तो यहाँ पे क्या है, जब भी अपना अपर लिमिट आएगा, ओके, दैट इज पाई, तो ये वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा, ओके, चाहे आप यहाँ पे एन की वैल्यू को टू रखो, दैट इज साइन 3π, पाई
को यहाँ पर रख दिए, दैट इज अपर लिमिट। तो साइन थ्री पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन फोर पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फाइव पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वैसे अपन जब जीरो को यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वैल्यू क्या होगा, वैनिश हो जाएगा जब भी हम इसको लिमिट पुट करेंगे। ओके, इन द सेम वे अगर आप यहाँ भी पुट करो तो क्या होगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बताओ कौन से दो टर्म बचेंगे, एक ये वाला टर्म बचेगा, दूसरा ये वाला टर्म बचेगा, और इसी में जो है हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट अप करेंगे। आई बात समझ में? आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो ये वन अपॉन पाई एज इट इज आ गया, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया। अपर लिमिट पुट करो, दैट इज पाई कॉस एन प्लस वन टाइम्स पाई अपॉन में एन प्लस वन। ओके, यहाँ पे इसको मैं एक ब्रैकेट इसको मैं शो कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये टर्म गायब हो चुका है, भूल जाओ। नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, पुट अपर लिमिट दैट इज पाई। तो यहाँ पाई हो गया कॉस एन माइनस वन टाइम्स पाई अपॉन में एन माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर जब लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट अपना क्या है, पॉजिटिव हो गया था, तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, भूल जाओ उसको। जीरो को यहाँ पुट करो तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। ओके, अपर लिमिट में क्या किए, पाई पुट किए, मुझे वाला मिल गया। लोअर लिमिट में जब जीरो यहाँ पुट करो तो क्या होगा, ये अपना टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अपन जब नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुका है, पाई जब पुट किए कहाँ पे, एक्स की जगह पे मुझे ये वाला वैल्यू मिला, टर्म मिला। अब जब जीरो पुट किया यहाँ पे तो क्या होगा, ये वाला टर्म अपना क्या वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, अब देखो ये अगर आप दो टर्म देखते हो तो दोनों में देखो क्या अपना पाई पाई कॉमन है कि नहीं, तो पाई को बाहर निकाल सकता हूँ मैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स हैं और दोनों देखो क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट पाई है, तो पाई को बाहर निकाल दिया, आपस में कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल में यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पाई को पाई से काटने में यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा। ओके ठीक है, यहाँ पे अपना देखो टर्म क्या पॉजिटिव, तो पहले इसको लिख दिया मैं, है ना, इसको पाई को हटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा अपने अपने पास, यहाँ पे कॉस ऑफ एन माइनस वन पाई अपर में एन माइनस वन लिख दिया इसको मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव छाप दिया, पाई को बाहर निकाल चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन पाई अपन में एन प्लस वन। आई बात समझ में? यस। तो ये अपना क्या हो गया बताओ, ए एन की वैल्यू हो गई, दैट इज कॉस ऑफ एन माइनस वन पाई अपन में एन माइनस वन माइनस कॉस ऑफ एन प्लस वन पाई अपन में एन प्लस वन व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू वन, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके यस, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वन। ओके, ए वन अपन निकालेंगे आप, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू अपन में पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, ये अपना फंक्शन है। यहाँ पे क्या था पहले बताओ, कॉस एन एक्स था, अब चूंकि यहाँ पे अपन एन की वैल्यू को वन पुट कर दें तो यहाँ पे क्या ए वन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स हो गया डीएक्स। अब देखो इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ और यहाँ पर टू लगाता हूँ, तो यहाँ पे टू लगाऊँ तो क्या होगा, बाहर में टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स अपना क्या होता है, ठीक है, ये अपना क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। तो वही है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो टू का डिवीजन कर दिया, यहाँ पे टू का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ओके, ये अपना क्या होगा, यहाँ पे साइन टू एक्स हो गया, और ये अपना क्या है, एज इट इज एक्स है, ये वाला टू इससे कैंसिल हो गया, तब हमारे पास बताओ क्या बचेगा, वन अपन पाई बचेगा। ठीक है जी, आगे अब जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन है। ओके, चेन रूल से अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, यस, वन अपन पाई को एज इट इज लिख दिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या करता है, अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में टू, बिकॉज एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे क्या टू है, तो उसको ऊपर नीचे ले आएंगे। फिर फर्स्ट टर्म मतलब पॉजिटिव, तो सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज वन। ओके, एंड इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ओके, तो माइनस माइनस एज इट इज रख दो, साइन कॉस विल बिकम साइन, कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन टू एक्स अपॉन में टू, और यहाँ का टू दैट इज फोर, हो गया, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू पाई। ओके, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, यस, तो वन अपॉन पाई हो गया, यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल दिया, इस टू को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, दैट इज एक्स अपॉन में टू कॉस टू एक्स, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन में फोर। ओके, अगेन देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो साइन के केस में जब यहाँ पाई डालो तो क्या होगा, साइन टू पाई हो जाएगा, विच इज जीरो। अब यहाँ पे जब जीरो डालोगे लोअर लिमिट साइन वाले केस में, तो क्या होगा, साइन जीरो, दैट इज अगेन जीरो, तो ये टर्म अपना क्या होगा, ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। ओके, तो यहाँ पे अपन जब अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट डालने पे क्या होगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, पाई हो जाएगा, मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉस, देखो अपर लिमिट डाले यहाँ पे, तो अपर लिमिट डालने पे यहाँ पे अपने पास क्या आएगा बताओ, कॉस टू पाई हो जाएगा, तो कॉस टू पाई वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे वन होती है। ओके ओके, अब जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो एक्स डालने पर क्या होगा, ये अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर बताओ यहाँ पे अपर लिमिट डालने पे क्या रहेगा, मैं एक्चुअली एक स्टेप को मैं खा गया हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, वन अपन पाई रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट डाले यहाँ पे, तो क्या रहेगा, माइनस पाई
यहाँ पे नीचे में पाई टू है, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या आएगा, पाई आएगा, तो डेट इज माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे कॉस टू पाई वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और जैसे ही मैं पर लोअर लिमिट डालता हूँ तो क्या होगा, ये प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इतने में जो है हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा, ए वन की वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस हाफ हो जाएगा, और वही जो है वहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज ए वन इक्वल्स टू माइनस हाफ, ओके। तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है, ए नॉट की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी थी अपने पास, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसको, ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे थी अपने पास टू, ठीक है, और ए एन की वैल्यू अपने पास क्या थी, यस, ये बड़ा सा, और ए वन की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस हाफ है, तो ये सब को जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे, दैट इज क्या था अपना, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में टू, तो ए नॉट की वैल्यू अपने क्या है, टू है, तो टू अपन में टू अपना क्या, वन हो जाएगा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, पहले ए वन की वैल्यू यहाँ पर अपन दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो ए एन की जो वैल्यू है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल वन एन इक्वल्स टू वन है, ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए थी, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक है, एन इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी है, इट मीन्स जो हमारा ए वन की वैल्यू है, पहले उसको अपन शो करेंगे, दैट इज हाउ मच, माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ कॉस एन एक्स, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वन आएगी, बिकॉज ये कब के लिए, जब एन इक्वल्स टू वन है, तो इसको रख दिए, फिर क्या करेंगे, जो अपन निकाले ए एन की वैल्यू वन एन इक्वल्स टू 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 इन्फिनिटी, उसी को अपन यहाँ पे रख के इंटू कॉस एन एक्स अपन यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, बस ये अपना सॉल्व हो चुका है। आप चाहो तो क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव बाहर निकाल दो, तो वन माइनस हाफ कॉस एक्स हो गया, समेशन एन इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी, इसको जो अपन यहाँ पे दिखा दिए इंटू कॉस एन एक्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर, ओके, थैंक यू सो मच।